तो दोस्तों, क्रिसमस न्यू ईयर के बाद मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ विंटर मेकअप। तो ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, रेडी है देखने के लिए मेरे साथ? तो चलिए, लेट्स डू इट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ले रही हूँ जोवीज का टोनर, एज यूजुअल माई फेवरेट थिंग। पूरे फेस पे मैंने स्प्रे आउट कर लिया। नेक्स्ट आई एम यूजिंग जोवीज का क्रीम एज अ मॉइस्चराइजर, वेरी नाइस ब्यूटिफुल क्रीम। इसे भी अपने पूरे फेस पे मैंने लगा लिया, ये डन हो गया। उसके बाद मैं लगा रही हूँ लिप बाम। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग ब्लू हेवन प्राइमर। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट प्राइमर। मैंने इतने ज़्यादा प्राइमर यूज नहीं किए हैं, फिर भी दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। बहुत ही अच्छा है, अपने ओपन पोर्स को पूरा फील करता है, वेरी स्मूद, ऑयल फ्री है एंड रियली वेरी नाइस। पूरा मेकअप मेरा अच्छी तरह से सेट हो जाता है, फाउंडेशन। नेक्स्ट अप आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट। इसमें मैं ले रही हूँ ब्राउन शेड। दोस्तों, वेट एंड वाइल्ड का ये आईब्रो किट तो दिस इज़ वेरी हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट एंड वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है। इसे मैं स्पूलिंग ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट अप आई एम यूजिंग इनसाइड कंसीलर। इनसाइड कंसीलर भी बहुत अच्छा है दोस्तों। दिस आई हैव परचेस्ड फ्रॉम लोकल मार्केट। इट यू कैन यूज एज अ फाउंडेशन ऑल्सो इनसाइड। सो मैं अपने आईज पे लगा रही हूँ, थोड़ा हाथों से ही मैं सेट करती सेट कर रही हूँ इसको। आई एम नॉट यूजिंग ब्लेंडिंग ये ब्रश। उसके बाद मैं लगा रही हूँ लैक्मे का रोज पाउडर। ये लगा के हो गया। नेक्स्ट अप आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो। इसमें मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ पहले एज ए ट्रांजिशन शेड। उसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क पिंकी शेड है उसी आईब्रो किट में, वो ले रही हूँ। आई मेकअप में थोड़ा सिंपल रखना चाहती हूँ दोस्तों, विंटर मेकअप है इसके लिए। थोड़ा सा एक्सेस फॉलोआउट मैंने वाइप कर लिया। उसके बाद मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का आईलाइनर। दोस्तों, यू नो वन थिंग, आईलाइनर लगाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर भी मैंने कोशिश किया ज़्यादा से जल्दी हो जाए। उसके बाद मैं ले रही हूँ नायका का काजल। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, हाईली रिकमेंडेड है। एक्स्ट्रा डार्क है ये नायका काजल, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये डन हो गया। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेक वर्की का फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है नेचुरल। थोड़ा सा ये जल्दी जल्दी ड्राई आउट होता है, इसीलिए मैं पटापट उसको लगा के ब्रश की हेल्प से मैं पूरा ब्लेंड कर रही हूँ स्किन पे, फेस पे। एक मुझे पिंपल आ गया था, वो भी मैं ढक रही हूँ। फाउंडेशन की हेल्प से पूरा नेक पे लगा रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये लुक अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, शेयर कर दे देना, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो तो। उसके बाद मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट। ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट पूरे चेहरे पे मैंने लगा लिया। उसके बाद मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का सिग्नेचर ब्लश पैलेट एज अ कॉन्टोर। पाउडर कॉन्टोर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एज यू नो दोस्तों।
शुगर का एक ही है कॉन्टोर, तो मैं थोड़ा सा ये मैं ये कर लेती हूँ, हाइक कर ले लेती हूँ। उसके बाद मैं डार्क पिंक का ब्लश ले रही हूँ। मुझे ब्लश लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों, आपको कैसा लगता है ब्लश लगाना प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यू ऑल्सो वेरी लाइक टू अप्लाई ब्लश ऑन योर फेस। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी के पैलेट में से ले रही हूँ हाइलाइटर, वाइट कलर का हाइलाइटर। स्विस ब्यूटी ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट, मतलब हम सबका फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड की पैलेट से ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मज कर रही हूँ, पिंकिश शेड है, मैं थोड़ा सा स्मज कर रही हूँ इसको। बेला वोस्ते का मस्कारा लगा रही हूँ अभी मैं, बेला वोस्ता का मस्कारा इट्स वेरी गुड, आपके आईलैशेस को थोड़ा सा इन्हांस कर देता है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही इन्हांस करता है, मुझे ये मस्कारा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड सॉरी स्विस ब्यूटी के हाइलाइटर पैलेट से ही मैं थोड़ा सा ब्रो बोन को हाईलाइट कर लिया। उसके बाद मेकअप सेट करने के लिए मैंने लगा लिया ये स्विस ब्यूटी का। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फायरी वॉक्स का लिपस्टिक बेला वोस्ते का, एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। तो कैसा लगा मेरा ये लुक दोस्तों, आपको विंटर मेकअप लुक पसंद आया ना, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching.